और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से जहां पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों के खिलाफ दो अलग अलग ऑपरेशंस में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। माछिल में 2 आतंकियों का सफाया हुआ, वहीं तंगधार में 1 आतंकवादी मारा गया है। सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से बड़ी जानकारी, जहां घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों के खिलाफ 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, पूरी जानकारी दें अभी, क्योंकि आतंकियों की सफाई के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को मिली है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त अभियान था ये। 2 अलग अलग ऑपरेशन जो कल देर रात शुरू हुए थे, दरअसल दोनों जगह संदिग्ध हरकत जब देखी गई तो ऑपरेशन लॉन्च किया गया। पहला ऑपरेशन जो है टंगार के टाट गांव जो नियंत्रण रेखा पर पड़ता है वहां पर हुआ, जहां पर 1 मिलिटेंट को मार गिराया गया है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। और वहां पर भी 2 से 3 आतंकी जो थे वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। और दूसरा ऑपरेशन मछेल में कुछ ही समय पहले बाद वहां पर शुरू हुआ था। जब पहला ऑपरेशन शुरू हुआ वहां पर भी ऐसी संदिग्ध हरकत देखी गई थी और वहां 2 मिलिटेंट को मार गिराने में सफलता मिली है और वहां भी ऑपरेशन जारी है। ये पुंगकड़ी पोस्ट है जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि जो इलाका है वहां पर बारिश हो रही है और भारी वर्षा और खराब मौसम के कारण थोड़ी बाधा जरूर ऑपरेशन में आ रही है, लेकिन इसके बावजूद जो पूरे जंगलों को घेर लिया गया है और 3 मिलिटेंट्स को अब तक मार गिराया गया है। हो सकता है कि इस इलाके में और छुपे हुए हो घुसपैठी, इसलिए पूरे इलाके में जो है एक मैसिव तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। निश्चित ही एक बड़ी सफलता है जो सुरक्षा बलों, बिल्कुल एक बड़ी सफलता है। कई बाधाओं के बीच भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका खालिद तमाम जानकारी के लिए। Zee News.